जय हिंद दोस्तों, गुरु द्रोण डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार आज आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, LCM दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समावर्तक। तो चलिए, आपने हमारे लास्ट वीडियो में देखा लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक को भी देखा। वहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में बताया कि लघुत्तम समावर्तक या LCM क्या होता है। यहाँ पर हम डिटेल में एग्जाम्पल के साथ देखेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल को, कैसे आप देखते या बता सकते हैं कि इसका LCM क्या होगा। तो चलिए इसको आप समझिए। LCM का मतलब होता है LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कोई भी दो नंबर है उसका आपको LCM निकालना है, तो उस दोनों नंबर का जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा वही उसका LCM होगा। जैसे आपको 6 और 8 का LCM निकालना है, 6 एंड 8 का LCM, तो इस दोनों के टेबल को हम लिखेंगे। 6 का टेबल, 6 का टेबल होगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा आपका 18, 6 4 जा 24। 8 का टेबल भी हम लिखेंगे, 8 का टेबल होगा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो क्या देख रहे हैं कि इसमें सबसे, इस दोनों में 24 कॉमन है, उसके बाद फिर आपका 48 आएगा जो दोनों के टेबल में कॉमन होगा, दोनों का मल्टीपल होगा। तो ये 24 ही आपका इस दोनों का LCM आ गया। LCM ऑफ 6 एंड 8 इज 24। इस तरह से आप जो है LCM निकाल सकते हैं। तो इसका दो मेथड है, पहला है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए इसको कैसे करते हैं इसको आप समझिए। एक तो आप इस मेथड से समझ गए कि देखते ही आप कैसे बनाएंगे, दोनों के टेबल को आप पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन सा नंबर है जिसमें दोनों संख्या से भाग लग रहा है, तो वही आपका सबसे छोटा नंबर जिसमें दोनों संख्या से भाग लग रहा है वही आपका हो गया LCM। इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे उसको आप समझिए। तो चलिए दोस्तों, हम एग्जांपल से देखते हैं कि LCM को कैसे फाइंड आउट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं फिर उस पर LCM को हम बताएंगे कि उसको कैसे आप निकालेंगे। चलिए, आपका ये क्वेश्चन रहा, फाइंड LCM ऑफ द फॉलोइंग। आपका ए में है 27, 63 एंड 72, इन तीनों का आपको LCM फाइंड आउट करना है। आपका सेकंड है, बी है आपका 22, 54, 108, 135 एंड 198, इन सबों का LCM आपको निकालना है। और सी में है 24, 36 एंड 40, इन तीनों का LCM निकालना है। तो कैसे निकालेंगे चलिए इसको वन बाई वन देखते हैं। आपका ए नंबर में है, सॉल्यूशन करते हैं इसको। देखिए 27, 63 एंड 72, इसको एक तो हम इस मेथड से करते हैं, इसमें जिससे भाग लग रहा है, देखिए किससे भाग लग रहा है तीनों में, तो आप देख रहे हैं यहाँ 9 से इसमें भी लग रहा है, इसमें भी 9 से दे देंगे हम। 9 3 27, 9 7 63, 67 और 9 8 72। हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। हम देख रहे हैं सबसे बड़ा संख्या जिससे तीनों में भाग लग रहा है 9 है, जिससे तीनों में भाग लग रहा है, तो हम डायरेक्ट 9 से देंगे। यदि कोई नंबर है जिसमें 9 से नहीं लग रहा है, 3 से लग रहा है, तो हम फिर 3 से देंगे। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, डायरेक्ट 9 से लग रहा है, अब इसमें और किसी भी नंबर से भाग नहीं लगेगा। और इसमें क्या ध्यान रखना है, आप इसको जब भाग देंगे तो कोई भी दो नंबर में भाग लगना चाहिए, अदरवाइज उसको हम फिर भाग नहीं देंगे। तो इसका LCM आपका हो गया 9 × 3 × 7 × 8, 72 × 21। इसका जो आंसर होगा, देखिए इसको फास्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 और 4 11, 1 × 7 = 15, आपका 1512 इसका आपका LCM होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये आपको मेथड समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 22, 54, 108, 135 एंड 198 का LCM आप कैसे निकालेंगे। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, इसको लिखेंगे हम 22, 54, 108, 135 एंड 198, इसको हम भाग देंगे। देखिए सबसे छोटा संख्या से भाग देना है, सबसे पहले हम 2 से शुरू करते हैं, 11, 54 है आपका, तो क्या होगा 27, यहाँ पे 54, 135, इसमें भाग नहीं लगेगा, तो इसमें हम डायरेक्ट इसको लिख देंगे 198, इसमें लगेगा 2 से, क्या होगा 9 2 जा 89 और 9 99 हो गया। अब देखिए किससे भाग देंगे, अब देखिए 11 से इसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है और किसी में नहीं लग रहा है, तो हम 11 से दे देते हैं, 11, 27, 54, 135 और 9।
अब देखिए 9 से लग रहा है इसमें भाग, देखिए 53819, इससे भी इसमें भी 9 से लग रहा है, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 और इसमें भी लग रहा है, तो हम डायरेक्ट 9 से देंगे। 11 से इसमें भाग दिया तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1 आएगा। 9 से 3, 9 6 54, 9 5 45, 9 6 54, 6 आएगा। और यहाँ पे आएगा आपका 9 से 1 आएगा और 5 15 और 1 आएगा। फिर हम देख रहे हैं इसमें, देखिए 3 से देंगे 1 1 2 5। अब इसमें कोई भी नंबर नहीं है जिससे कि कोई भी दो नंबर में जिससे और किसी से भाग लग रहा है, तो इसका आपका एलसीएम जो होगा तो हो जाएगा 2 × 11 × 9 × 3 × 2 × 5। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका जो आंसर होगा वही आपका करेक्ट। इसका मल्टीप्लाई देखिए कैसे करेंगे, 11 × 9 करेंगे, 99 × ये आपका 5 2 10 और 3 2 6 60। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 9 5 9 6 54 का 4 बाकी 5, 9 5 9 6 54 और 5 आपका हो गया 59। तो ये आपका इसका एलसीएम होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सारे कंसेप्ट आपको एलसीएम का समझ में आ गया होगा। चलिए हम कुछ और क्वेश्चन को देखेंगे, एलसीएम का क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दोस्तों कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और फिर उसका एलसीएम कैसे निकलता है इसको हम देखेंगे, जिससे आपका कंसेप्ट पूरी तरह से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए आपका ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम ऑफ 2² × 3² × 5 × 7। एक ये हो गया आपका, एक नंबर है, दूसरा नंबर आपका 2³ × 3 × 5² × 7² और तीसरा नंबर है आपका 2 × 3 × 5 × 11। इन तीनों का आपको एलसीएम निकालना, कैसे निकालेंगे तो मैंने आपको बताया। दूसरा क्वेश्चन चलिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ ए बी एंड एक्स वाई, एंड तीसरा है आपका फाइंड एलसीएम ऑफ 35 एंड 42, इसका एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे इसमें हम, चलिए हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं, फाइंड द एलसीएम ऑफ जो नंबर है इसके सॉल्यूशनों को देखते हैं। सॉल्यूशन इसका क्या होगा, एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा संख्या जिसमें इन सबों से भाग लग जाए। तो क्या करेंगे उसमें हम, जैसे हम इसका एचसीएफ निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो क्या करते थे, सबसे छोटा जो पावर होता था उसको लेते थे। जैसे यहाँ पे देखिए 2^1 है, 2^2 2^3, तो हम इसका यदि एचसीएफ निकालेंगे, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा 2 × इसमें सबसे छोटा 2 है, फिर 3 × आपका 5, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ 5² 5, और यहाँ पे देखिए 7 नहीं, यहाँ 7 है, 7² तो एचसीएफ आपका ये हो जाएगा। लेकिन एलसीएम में क्या होगा, एलसीएम में आपको क्या लेना है, हाईएस्ट पावर लेना है। एलसीएम में आपको ये ध्यान रखना है, एलसीएम में आपको ध्यान रखना है कि हम इस तरह के नंबर को का जब एलसीएम निकालेंगे तो उसमें हम हाईएस्ट पावर लेंगे। अब देखिए 2 पे पावर 2 है, वहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो हम सबसे बड़ा नंबर को लेंगे, 2^3 × अब हम 3 का देखेंगे, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 पे पावर आपका 2 है, इसको लेंगे, ये होगा। उसके बाद 5 यहाँ पे है, यहाँ 5² है, यहाँ पे 5 पे पावर 1 है, तो बड़ा नंबर जो है 5² है, इंटू अब यहाँ 7 है, यहाँ 7² है, यहाँ पे 7 नहीं है, तो 7² होगा। 7 नहीं है मीन्स यहाँ पे 7 है, 7 पे पावर आपका 0 है, और यहाँ पे 11 है, ये सब में नहीं है, इट मीन्स 11 भी इसके साथ आएगा, तो आपका एलसीएम जो हो जाएगा ये आपका नंबर आ गया। तो इस तरह से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, आप एचसीएफ इस तरह से कैसे निकालेंगे, इस तरह का जो नंबर दिया है और उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, फाइंड द एलसीएम ऑफ ए बी एंड एक्स वाई, ए बी और एक्स वाई का एलसीएम कैसे होगा। अब क्या देख रहे हैं, ये आपका कोई नंबर है, ए बी कोई नंबर होगा, ए बी एंड एक्स वाई, इस दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, ये क्या है, ऑलरेडी ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो इसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। एलसीएम ऑफ दिस इक्वल टू क्या होगा, ए बी इंटू एक्स वाई, ए बी एक्स वाई हो जाएगा इसका एलसीएम। और यदि इसका एचसीएफ हमें पूछता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसमें क्या है कॉमन, इसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होगा, तो इस दोनों का एचसीएफ 1 हो जाएगा, और एलसीएम होगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका 3 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड एलसीएम ऑफ 35 एंड 42, इस दोनों का आपको एलसीएम निकालना है। तो
तो देखिए इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड, एक तो आप नॉर्मल डिवीजन मेथड से कर सकते हैं, दूसरा है 35 एंड 42 को हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। इसको 7 इंटू 5 लिखेंगे और 42 को आप 7 इंटू 6 लिखेंगे। अब देखिए इस दोनों में कॉमन क्या है, इस दोनों में कॉमन 7 पे पावर ओनली 7 है, तो इसका जो LCM होगा इस दोनों में से एक ही को हमें लेना है, दोनों को नहीं लेना है। 7 पे पावर दोनों में सेम है तो एक 7 आएगा, उसके बाद जो बच गया उसको हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 6 5 30 7, तो हो जाएगा 210। तो इस तरह से आप LCM निकालेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सारे कंसेप्ट आपको LCM का क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि LCM का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे LCM और HCF के बीच क्या रिलेशन है और हाउ टू फाइंड LCM एंड HCF ऑफ फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और संबंधियों को अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरा अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।